हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है 50 Shades Freed। इस मूवी के पिछले दो पार्ट्स हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तब आप उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। एना और क्रिस्टीन की शादी हो जाती है और ये लोग हनीमून के लिए जाते हैं। जब ये लोग हनीमून पर होते हैं तब क्रिस्टीन के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताती है हमारे सर्वर रूम को किसी ने ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। क्रिस्टीन उससे पूछता है क्या उसने हमारे सर्वर रूम से चोरी की है। उसकी असिस्टेंट कहती है हाँ, उसने हमारा डाटा चोरी किया है जिनमें आपकी कई पर्सनल फाइल्स थी। जब क्रिस्टीन और एना उस आदमी का वीडियो फुटेज देखते हैं तब ये लोग पहचान जाते हैं कि ये आदमी जैक हाई है। जैक वही इंसान है जो कि एना के ऑफिस में उसका बॉस था और उसने एना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी जिसके वजह से उसे उसके जॉब से निकाल दिया गया था। इसलिए वो अब एना और क्रिस्टीन से बदला लेना चाहता है। ये सब होने के बाद एना और क्रिस्टीन को हनीमून से वापस लौटना पड़ता है। वहाँ से वापस आने के बाद ये लोग अपने सिक्योरिटी से मिलते हैं। इसके बाद एना अपने नए ऑफिस में आती है और वो इसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे प्रमोशन मिला था। लेकिन एना ये भी सोच रही थी कहीं ये सब क्रिस्टीन ने तो नहीं किया है। जब क्रिस्टीन उसके ऑफिस में आता है तब एना क्रिस्टीन से ये पूछती है। क्रिस्टीन उसे कहता है ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है। लेकिन क्रिस्टीन ये नहीं चाहता था कि एना किसी ऑफिस में काम करे। वो चाहता था एना को अगर काम करना ही है तब वो उसके साथ करे। लेकिन एना खुद का काम करना चाहती थी और वो अपना पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए वो इस ऑफिस में काम करती है। शाम में क्रिस्टीन एना को घुमाने के लिए लेकर जाता है। इसके बाद वो उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसने एना और अपने लिए एक नया घर खरीदा है। ये घर बहुत ही खूबसूरत था और ये लोग इसे और भी सुंदर बनाना चाहते थे, इसलिए क्रिस्टीन एक आर्किटेक्ट को हायर करता है और इसका नाम जिया है जो कि एलियट की दोस्त थी और एलियट क्रिस्टीन का बड़ा भाई है। यहाँ जिया क्रिस्टीन के साथ फ्लर्ट करती है जिसे एना देख लेती है। उसी वक्त क्रिस्टीन का एक कॉल आता है और वो यहाँ से चला जाता है। तभी एना उसे बोलती है तुम मेरे पति से फ्लर्ट करना बंद करो और वो जिया से कहती है अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तब तुम्हें क्रिस्टीन से दूर रहना चाहिए। इसके बाद एना उससे कहती है अब तुम मुझे मिसेज ग्रे कहकर पुकारोगी। जिया यहाँ एना की सारी बातों को मान जाती है और वो क्रिस्टीन से दूरी बनाकर रखती है। इसके बाद ये लोग घर के लिए निकलते हैं। क्रिस्टीन एना से ड्राइव करने के लिए कहता है। इसके बाद एना ड्राइव करते हुए जा रही थी। वो यहाँ अपनी गाड़ी को काफी तेज चलाती है जिससे इन लोगों की सिक्योरिटी काफी पीछे छूट जाती है। तभी क्रिस्टीन के पास उसके सिक्योरिटी का कॉल आता है। वो लोग कहते हैं आपका एक गाड़ी पीछा कर रही है। इसके बाद क्रिस्टीन एना को गाड़ी और तेज चलाने के लिए कहता है। अब एना अपनी गाड़ी को और भी तेज चलाती है। जब ये लोग अपने घर पहुँचते हैं तब ये लोग उस गाड़ी का वीडियो देखते हैं। उस फुटेज में ये लोग देखते हैं उस गाड़ी के अंदर एक लेडी है। ये लोग सोच रहे थे उस गाड़ी के अंदर शायद जैक होगा जो कि उनके सर्वर रूम से कुछ फाइल्स चुराकर भागा था। लेकिन इस गाड़ी में जैक नहीं था। लेकिन फिर भी क्रिस्टीन को ये यकीन था ये लड़की जैक की कोई दोस्त होगी। इसके बाद वो अपने आदमियों को ये बोलता है उसे जैक की पूरी कुंडली चाहिए। वो अपने सिक्योरिटी से ये बोलता है वो एक मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है और तुम तीनों भी मेरे साथ आओगी। और वो एना से भी ये बोलता है तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। एना उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत काम है और मेरी बहुत सारी यहाँ मीटिंग्स हैं। क्रिस्टीन उसे बोलता है तुम अपने सारे काम वहाँ से कर लेना। एना उसे कहती है मेरी हिफाजत करने के लिए सिक्योरिटी यहाँ है इसलिए तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। क्रिस्टीन को एना की बात माननी पड़ती है। इसके बाद क्रिस्टीन न्यूयॉर्क चला जाता है। इसके बाद एक दिन जब एना अपने ऑफिस में अकेली होती है तब उसकी दोस्त केट का उसके पास मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद एना उसे मिलने के लिए जाती है। एना जानती थी जब क्रिस्टीन को यह बात पता चलेगी तब वो बहुत गुस्सा होगा। जब एना अपने दोस्त केट से मिलकर घर वापस आती है तब पहले से ही जैक यहाँ मौजूद होता है और वो एना के गले में चाकू रख देता है और वो उसे किडनैप करना चाहता था। लेकिन तभी एना की सिक्योरिटी यहाँ आ जाती है और वो लोग एना को जैक से छुड़ा लेते हैं और वो लोग यहाँ जैक को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग पुलिस से उसे अरेस्ट करवा देते हैं। जब क्रिस्टीन घर पर आता है तब वो एना से बहुत नाराज होता है क्योंकि एना ने उसकी बात नहीं मानी थी। इसके बाद जब ये लोग इंटीमेट होते हैं तब क्रिस्टीन एना को बहुत हर्ट करता है। इस बात से एना को बहुत दुख होता है और वो क्रिस्टीन से कहती है ये तो तुम्हारा प्यार नहीं था। क्रिस्टीन उसे बोलता है मैंने तुमसे कहा था तुम ऑफिस से सीधा घर आओगी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। एना उसे कहती है मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्रिस्टीन उसे बोलता है तुमने मेरी बात नहीं मानी उस वक्त भी मुझे बहुत गुस्सा आया था। जैक तुम्हें किडनैप करना चाहता था और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। ये सब सोचकर मेरी जान ही निकल जाती है। एना उसे कहती है जैक हाइट सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्रिस्टीन उसे कहता है मुझे ये नहीं पता है कि वो मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है। इसके बाद ये लोग एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एना बहुत टेंशन में होती है। एना को टेंशन फ्री करने के लिए क्रिस्टीन एक ट्रिप का अरेंजमेंट करता है जिसमें एना की दोस्त केट और जोस थे। इसके अलावा इस ट्रिप में क्रिस्टीन के भाई और बहन शामिल हुए थे। ये सारे लोग एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ एलियट केट को प्रपोज करता है। केट उसके प्रपोजल को मान जाती है जिसे देखकर ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं। इधर एना और क्रिस्टीन भी बहुत खुश थे। अब इन दोनों के बीच में बच्चे को लेकर भी बातें होती हैं। लेकिन क्रिस्टीन उससे कहता है मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। इन दोनों की लाइफ में अब सब कुछ बहुत अच्छा था
वहीं दूसरी ओर हम लोग जैक को देखते हैं जिसे कोर्ट से बेल मिल जाती है जिसके बदले उसे $5,00,000 जमा करने पड़ते हैं। ये न्यूज सुनकर एना बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो जानती थी जैक जैसे ही जेल से छूटेगा वो फिर से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तभी एना को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब रात में वो क्रिस्टिन के साथ डिनर कर रही होती है तब वो काफी परेशान थी। क्रिस्टिन को ऐसा लग रहा था जैसे वो जैक के लिए परेशान है, लेकिन एना उसे बोलती है मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ बल्कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर क्रिस्टिन गुस्सा हो जाता है और वो एना से फिर से कहता है मैं अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वो उसे बोलता है तुमने पिल्स क्यों नहीं लिया। एना उसे बोलती है मुझे ये नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। इसके बाद क्रिस्टिन एना से गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एलिना के पास जाता है। एलिना वही औरत है जिसने क्रिस्टिन को बचपन में ही इंटीमेट होना सिखाया था, लेकिन एना इस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब क्रिस्टिन रात में घर वापस आता है तब वो पूरी तरह से ड्रंक होता है। इसके बाद वो यहाँ आकर बिस्तर में सो जाता है। तभी उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज एलिना का था जहाँ ये लिखा होता है गुड टू सी यू टुनाइट। ये देखकर एना समझ जाती है क्रिस्टिन आज रात को एलिना से मिलने गया था और वो इस बात से बहुत गुस्सा होती है। जब सुबह होती है तब इन दोनों के बीच में बहस होती है। यहाँ क्रिस्टिन ज्यादा नहीं बोलता है लेकिन एना बहुत गुस्सा थी इसलिए वो बहुत कुछ बोलती है। इसके बाद वो क्रिस्टिन से बोलती है हमारे होने वाले बच्चे को या तो हम साथ संभालेंगे या फिर मुझे अकेले उसे संभालना होगा। क्रिस्टिन उससे कहता है मैं बहुत गुस्से में था और मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए था। इसके बाद क्रिस्टिन उसे सॉरी बोलता है लेकिन वो गुस्सा होकर अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में उसके पास जैक का कॉल आता है और अब वो जेल से छूट चुका है। वो एना को मियाँ के फोन से कॉल करता है। जब वो देखती है जैक मियाँ के फोन से उसे कॉल कर रहा है तब वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद जैक उसे एक फोटो भेजता है, उस फोटो में मियाँ बंधी होती है। इसके बाद जैक उसे कॉल करके ये बोलता है जो भी कुछ क्रिस्टिन को मिला वो सब कुछ जैक को मिल सकता था लेकिन उन लोगों ने उसे चुना। मैं क्रिस्टिन से किसी भी चीज में पीछे नहीं हूँ। अगर तुम अपनी सिस्टर इन लोग को बचाना चाहती हो तब मुझे तुमसे एक घंटे के अंदर $50,00,000 चाहिए और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए नहीं तो मैं मियाँ को मार दूंगा। अब एना को एक घंटे में $50,00,000 चाहिए था और वो ये बात किसी को भी बता नहीं सकती थी। इसके बाद वो अपने सिक्योरिटी से बचकर बैंक जाती है और वहाँ से $50,00,000 निकालने के लिए वो चेक पर साइन करती है, लेकिन ये बैंक के लिए भी बहुत बड़ी कीमत थी इसलिए बैंक का मैनेजर क्रिस्टिन को कॉल करके ये बता देता है। क्रिस्टिन को ऐसा लगता है जैसे एना उसे छोड़कर जा रही है इसलिए उसने इतने सारे रुपए बैंक से निकाले हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे ये पता चलता है कि जैक हाइट जेल से छूट चुका है और उसकी बहन मियाँ का कुछ भी पता नहीं है। तभी क्रिस्टिन को यह शक हो जाता है जैक हाइट ने ही कुछ ना कुछ किया है। वहीं इधर हम लोग बैंक में देखते हैं एना को अब $50,00,000 मिल जाते हैं। इसके बाद वो जैक को कॉल करती है और वो बोलती है मैं इतनी जल्दी तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। जैक उससे बोलता है पीछे गली में एक गाड़ी खड़ी है और अपना फोन जो भी वहाँ पर है उसे दे देना। इसके बाद एना बैंक के पीछे के रास्ते से निकल जाती है, लेकिन वो बैंक से निकलने से पहले बैंक मैनेजर का फोन ले लेती है। वो कहती है मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, क्योंकि क्रिस्टिन और एना बैंक के बहुत बड़े कस्टमर्स थे इसलिए बैंक मैनेजर भी इनकी बात मान जाता है और वो एना को अपना फोन दे देता है। जब वो गली में जाती है तब वो देखती है वहाँ पर एक लड़की है, वो बैंक मैनेजर का फोन उसे दे देती है। उस लड़की को ऐसा लगता है जैसे ये एना का फोन है और वो उसे फेंक देती है, लेकिन एना का फोन अभी भी बैग में था। जब वो गाड़ी में आगे बढ़ रही होती है तब क्रिस्टिन उसे फोन से ट्रैक करता है और वो एना का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं एना उस जगह पर पहुंच जाती है जहां जैक हाइट ने मियाँ को किडनैप कर रखा था। वो मियाँ को छोड़ने के लिए उससे कहती है, वो उसे कहती है मैं तुम्हारे सारे पैसे ले आई हूँ, लेकिन जैक हाइट उसे बदला लेना चाहता है। वो उसे कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है और वो उसे बहुत मारता है। एना प्रेग्नेंट होती है और वो उसके पेट पर भी लात मारता है। एना के पास एक गन होती है, वो अपने गन को निकाल कर उस पर शूट करती है। गोली जैक के पैरों पर लगती है। उसी वक्त क्रिस्टिन और पुलिस भी यहाँ आ जाती है। इसके बाद ये लोग जैक को पकड़ लेते हैं। इसके बाद एना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब एना हाउस में आती है तब वो क्रिस्टिन से पूछती है हमारा बच्चा तो ठीक है ना। क्रिस्टिन उससे बोलता है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्रिस्टिन उससे बोलता है अब मुझे तुम्हारे साथ साथ हमारा बच्चा भी चाहिए। एना उससे कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एना जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वो अपने घर आती है। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। अब जैक फिर से जेल में है और अब उसका जेल से बाहर आना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन क्रिस्टिन जानना चाहता था आखिर जैक उनके पीछे क्यों पड़ा था। क्रिस्टिन के आदमी उसके बारे में पता करते हैं। तब क्रिस्टिन को यह मालूम पड़ता है जैक और क्रिस्टिन बचपन में एक ही फॉस्टर फैमिली के पास थे। फॉस्टर फैमिली उन फैमिलीज को कहा जाता है जो कि अनाथ बच्चों को कुछ दिन के लिए पास रखते हैं, और क्योंकि क्रिस्टिन और जैक दोनों ही अनाथ थे इसलिए जैक को ऐसा लगता था जिस फैमिली ने क्रिस्टिन को गोद लिया अगर वो फैमिली जैक को अडॉप्ट कर लेती तब उसे वो सब कुछ मिलता जो कि आज क्रिस्टिन के पास है। क्रिस्टिन एना से बोलता है अगर मेरी मॉम ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तब आज जैक जहाँ है शायद मैं वहाँ होता। एना उसे बोलती है ऐसा नहीं होता क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हो। तुम जहाँ भी होते तुम बहुत ही अच्छे इंसान होते। क्रिस्टिन को यह सुनकर बहुत खुशी होती है।
इसके बाद क्रिस्टीन अगले दिन अपने रियल मॉम के कब्र के पास जाता है और वो उनके कब्र पर फूल रखता है। क्रिस्टीन यहाँ आज से पहले कभी नहीं आया था, लेकिन आज क्रिस्टीन की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। कुछ दिनों के बाद क्रिस्टीन और एना का एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग टेडी रखते हैं। अब क्रिस्टीन एना और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। कुछ सालों बाद एना फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब इन लोगों का एक और बच्चा होने वाला है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।